इंदौर में जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों में सुरक्षा के इंतजाम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर कलेक्टर कार्यालय में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर, डीआईजी, जनप्रतिनिधि समेत विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग शामिल हुए, जहां सभी से गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, विजयादशमी और मुहर्रम के त्योहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुझाव लिए गए। और बैठक में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से आगामी त्योहारों में शांति बनाए रखने की अपील की गई। कि शांति समिति का गठन का उद्देश्य यही है कि जब भी कोई धर्म त्योहार का वक्त आए, साल में 3 या 4 मरतबा शांति समिति के सदस्य एक साथ बैठे, सभी धर्म के, सभी पंथ के लोग एक साथ एक छत के नीचे बैठे, प्रशासन, पुलिस और बाकी जो अन्य अमला है उनके अधिकारी भी साथ रहे, ताकि व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत चर्चा हो सके। सामाजिक समरसता को हम अपग्रेड करने के लिए और बेटर का सुझाव सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनके सुझावों को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए रास्तों की बात कर सकें। और साथ ही साथ में कोई ऐसे मुद्दे जो कि इन त्योहारों को और बना सकते हैं, प्रशासन और पुलिस के लिए चीज़ों को आसान कर सकते हैं, उन पर भी विचार विमर्श करके आगे बढ़ने की जरूरत। इंदौर में विभिन्न पर्व त्योहारों को मनाने का एक परस्पर सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने का एक बड़ी ही समृद्ध परंपरा है और उस कड़ी में शहर के लोगों का काफ़ी विशिष्ट योगदान रहता है। आज शांति समिति में शहर के लगभग 100 से ज़्यादा जो प्रमुख लोग थे, जो अलग अलग अखाड़ों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके नेतृत्व में बैठक हुई, जिसे मुख्तार पर आने वाले दिनों में जो भी महत्वपूर्ण आयोजन है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगला सितंबर और अक्टूबर मुख्तार सभी पर्व त्योहारों से काफ़ी भरा पड़ा है। इसमें मुख्तार पर आने वाले समय में जो गणेश चतुर्थी का होगा, चाहे डोल 11 गणेश चतुर्थी या मुहर्रम, जितने भी महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार हैं उनके आयोजनों को लेकर विशेष तौर पे लोगों की भूमिका और क्या एहतियात बरतना चाहिए जिसके कारण ये पर्व त्यौहार काफ़ी बेहतर माहौल में मने, इसको लेकर के बैठक आयोजित की।